जन्म, कर्म और धर्म। जन्म तो पहले जीव को 484 जीवनी में भ्रमण करना पड़ता है। आकर 484 जीवनी भ्रमत यह जीव अविनाशी वेद अमृतस्य पुत्रः। श्रणमंतु देवा अमृतस्य पुत्रः। पहले ब्रह्म एक ही था, तो इसका पद प्रकृति निकला, क्षिति आप तेज वायु आकाश और खिति आप तेज वायु, खिति आप तेज वायु और आकाश। अब ये सोचना चाहिए हमको, पंचभूत का शरीर में प्रकृति से विकृत होकर काल का शरीर, काल ईश्वर का तेज का अंतराल से तेज निशाने भेद करने वाले से आत्मा अग्नि तत्व से पैदा हुआ और वही आत्मा अमृत का पुत्र है, मृत्यु नहीं है इनका। न जायते म्रियते विपन्न कश्चित नायम भूता न भविता न भूय अजो नित्य शाश्वत पुराणे न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे। ये जीवात्मा को भगवान पहले पेड़ पौधा बनाया, पहले कीड़े मकड़े बनाया, इसका बाप सांप बिच्छू बनाया, इसका बाद पेड़ पौधा, इसका बाद चतुष्पद प्राणी गैया भैंसा, इनमें जन्म दिया, फिर मानव का जन्म। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते, बड़ी दुर्लभ तनु है शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। मनुष्य को का मनुष्यता होनी चाहिए। अब देखो नया नया बीमार निकलता है, मनुष्य भोगवादी है, ये कर्म भूमि है। कर्म करो, ऐसे कर्म करो जिस कर्म में तुम्हारा इज्जत में बाधा ना आए और पराया धन जीवन और प्राण में कुछ किसको बाधा ना आँच ना पहुँचे, इसको धर्म कहा जाता है। जीव का धर्म, प्रकृति का धर्म, सूरज चांद सूरज का धर्म, समुंदर का धर्म, पृथ्वी माता का धर्म, हवा का धर्म, अग्निदेव का धर्म, आसमान का धर्म, सब धर्म में रहते हैं जगत। धर्म धारण धरित्री रही थी जुग जुगरी। मनोमहर्षि कहते हैं धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म को जो रक्षा करते हैं धर्म उनको रक्षा करते हैं, और जो धर्म को नष्ट कर देते हैं धर्म उनका विनाश करते हैं। मनुष्य धर्म कहा जाओ, नारी धर्म, जाति धर्म, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, अंत जाति का धर्म, पतित जाति का धर्म, गोलकुंडा का जन्म, जवन का धर्म। अरे जातिगत धर्म तो अलग है, लेकिन पहले प्रभु ने हमको कृपा करके ये मनुष्य जन्म दिया। कब नहीं करुणा गरी नर देही देतई सबनु जीव सनेही। जीव के ऊपर भगवान कृपा करके उनको स्वच्छ मानव ज्ञानमय जन्म दिया। 24 उपादान में प्रकटित शरीर, ये मानव शरीर, मानव ये नया नहीं है, मानव और ब्रह्म को मानने वाला वही शरीर मानव है। और मानव मनु से पैदा हुआ शरीर, मनु का दो टुक शरीर दो टुकड़े, ब्रह्मा का शरीर दो टुकड़े गया, एक स्वयंभू मनु दूसरा शत्रुपा, इससे नारी पुरुष का सृष्टि हुआ और मैथुन सृष्टि का संभव। मैथुन सृष्टि करने से सृष्टि होता है। अंगात अंगात संजायते पुत्र, पुत्र पुत्री पौध पैदा करने के लिए, वंश विस्तार करने के लिए पति पत्नी का संग तो होना चाहिए, लेकिन ऋतुमत में रुत्वाभिगामी भव इति वेद। और ब्रह्मचर्य का बारे में ये इतना बता सकता हूँ, अन्नात रसम रसात रक्तम रक्तात मांसम मांसत मांसत मेदम वेदात अस्त्यस्त्यत मज्जा मज्जा थी शुक्रो संभव। सप्तावरण शरीर में रस जो भोजन करते हैं, हम जो भोजन करते हैं, चर्व्य चेष्य लेह पेय चाट के चूस के पी के और चबाए के जो खाना खाते हैं, इस खाना का रस से रस निकलता है,
बेकार रस सब निकल जाता है, पसीना होकर, टट्टी होकर, पेशाब होकर, झाल नाल होकर, और जो अच्छे रस है वह हृदय को जाकर इससे रक्त होता है, रक्त सारे शरीर में गमन करता है, रक्त से मांस, मांस से कठिन मांस मेद होता है, मेद से अस्थि होता है, हड्डी से फिर मज्जा होता है सूसी, और इसका भीतर शरीर का रस रहता है जिसको हम वीर्य कहते हैं। जीवनम बिंदु धारणे मरणम बिंदु पतरत बैचलर टाइम इज फाउंडेशन ऑफ लाइफ होम्स। जीवन जब एक गृह है, एक प्रासाद है, एक बिल्डिंग है, एक हवेली है, इसका नींव है क्या? ब्रह्मचर्य। काय न मनसा वाचा सर्वकाल सुसर्वदा सर्वत्र मिथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रतिकृति। मन में, वचन में, कर्म में, कर्म मन वचन में जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, ब्रह्म को रक्षा करते हैं, मैथुन को त्याग करते हैं, वो ही ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य नहीं होने से जीवात्मा अपना खासियत को खो देता है। अजित इंद्रिय जिसका इंद्र का संयम नहीं है, वाणी में संयम नहीं है, नासा में संयम नहीं है, आँख में संयम नहीं है, कान में संयम नहीं है, हृदय में संयम नहीं है, हाथ पाँव में संयम नहीं है, लिंग गुद्दा में संयम नहीं है, पैर में संयम नहीं है, वो उनका जीवन को खतरे में डालते हैं। संयम सत्य न लभ्यस्त बसा हुए आत्मा सत्य सी और तप के द्वारा लग्जूरियस जीवन यापन करने वाला भगवान को नहीं पाते। कुछ मेहनत करो, कर्म भूमि है ये, कर्म भूमि, कर्म करो, काम करो, काम करो भाई, काम करो, काम करके हरि नाम धरो। कर में कर्म करी अभिधना, कर में कर्म करी अभिधना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना, कर्म कर्म करी अभिधना। प्रभु तुम्हारी संसारे जन्म देण जहाँ मो कपाले करी छलिखन, आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनम एव च। अपना उम्र, काम, पूर्व जन्म का कर्म का फल और कर्म का वासना, वित्तं च दौलत, पूर्व जन्म का पूंजी, विद्या, कुविद्या हो या सुविद्या हो, सा विद्या का विमुक्त है, जो विद्या तुमने अपनाया था, और निधन मृत्यु ये लेकर जीव आता है, लेकिन पूर्व जन्म का वासना को नष्ट करने के लिए कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच भीर पंच को प्रमादि कथन हत सज्यते पंच भीर पंच पांच इंद्र को दमन करना चाहिए। पिछले जन्म में विषया से फंस कर जीव अपना जिंदगी गवा दिया बेकार बेकार नहीं समझकर। उपनिषद कहते हैं परांग च कामान अनुयंति बालस्ते मृत्युयंति वीततस्य पाशं मथः धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवे मध्रुवे न प्रार्थयन्ति। इसीलिए सजाग रहो, जागृत रहो, उत्तिष्ठति जागृत प्राप्य वरण्य विबुधते क्षूरस्य धारा निशितम दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयोर्वदन्ति। दुर्गम पथ भजन भय भाजिले जोगी जन, धर्म का पथ पिच्छिल है, कर्कश है और कंटकित है, कुस्मित नहीं है, इस रास्ता में चलने से थोड़ा कठिनाई पड़ता है, कठिनाई झेलना पड़ता है, और भगवान का भक्ति को तो आधा में छोड़ना ही नहीं चाहिए। भक्ति जीवन का अवलंबन है, प्रभु का पर भक्ति करो, सत्य कर्म करो और धर्म के आश्रित हो, धर्मात्मा बनो, सदाचारी बनो, सत्यवादी बनो, कर्मयोगी बनो, धर्म में विश्वास रखो, यकीन रखो। प्रभु को तो बोलो प्रभु हे नंदलाल तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे हूँ, बस काम खत्म। जय जय बांके बिहारी लाल की जय, पार्वती पतये हर हर महादेव।